शायराना अंदाज में कुछ इंट्रोडक्शन हो, तो मैं भी अभी प्रभावित हुआ मेरे से पहले जो कवित्री मंच पर मौजूद थी उनसे, और इसी को लेके मैंने दो लाइनें अभी अपने बारे में लिखने की कोशिश की है, क्योंकि पहचान अभी है नहीं शायरी से मेरी, क्योंकि मैं अभी ताजा ताजा शायर बन गया युवाओं को देखकर। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, जमाना इस पागल को डॉक्टर आर के मुगिल समझता है। तो बात थोड़ा शायरी की करते हैं, थोड़ा लंबा होगा पर कोशिश कीजिएगा थोड़ा मैनेज हो जाए, एडजस्ट कर लीजिएगा, कुछ आशिकी से जुड़ा हो तो एडजस्ट कर पाए। लोग कहते हैं कि इश्क गुनाह है, लोग कहते हैं कि इश्क गुनाह है, अगर गुनाह है तो मुझे सजा दो, अगर गुनाह है तो मुझे सजा दो, पर एक बार बस इतना बता दो, पर एक बार बस इतना बता दो कि अगर इश्क गुनाह है तो ये इबादत क्या है, ये पूजा क्या है, ये बंदगी क्या है, बिना इश्क के यारो ये जिंदगी क्या है। माना कि कुछ लोग इसे गुनाह कहते हैं, माना कि कुछ लोग इसे गुनाह कहते हैं, मगर हम तो इसे महबूब की आंखों की हया कहते हैं, हम तो इसे महबूब की आंखों की हया कहते हैं, जब वो बंद होती हैं तो रात हो जाती है, जब वो बंद होती हैं तो रात हो जाती है, जब वो खुलती हैं तो जैसे सुबह होती है, ना देखें जो वो पलट कर तो मानो ये जिंदगी फना होती है, रोती हैं ये आंखें जब वो नहीं होती, रोती हैं ये आंखें जब वो नहीं होती, उनके होने से हर पल खुशनुमा है, उनके होने से हर पल खुशनुमा है। माना कि कुछ लोग कहते हैं कि इश्क गुनाह है, माना कि कुछ लोग कहते हैं कि इश्क गुनाह है, अगर गुनाह है तो ये गुनाह करने दो मुझे, अगर गुनाह है तो ये गुनाह होने दो, इश्क में यारो मुझे फना होने दो। जो दो पल भी बीत गए महबूब के पहलू में, जो दो पल भी बीत गए महबूब के पहलू में, तो मानो जिंदगी जहन्नुम से जन्नत हो गई, तो मानो जिंदगी जहन्नुम से जन्नत हो गई, सालों के दुखों पर सालों नहीं भाई सालों यस फास्ट यस, सालों के दुखों पर एक पल का ही सही, सालों के दुखों पर एक पल का ही सही, पर महबूब की मोहब्बत मरहम होगी, देखा जब उन्होंने पलट कर प्यार से तो मानो ये जिंदगी एक पल में खो गई, मोहब्बत गुनाह है तो सजा दो मुझे, पर गुनाह है तो बस इतना बता दो मुझे, ये पूजा ये इबादत ये बंदगी क्या है, बिना इश्क के यारो ये जिंदगी। Next. Raja Maharaja, अभी बना रहा है, कच्चा हो तो पका लेना।